Hello and welcome to the 7th episode of low back pain series. I am Dr. Varun Wasil और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे facet joint arthropathy के बारे में. Facet joint arthropathy होती क्या है? जब भी हम MRI करवाते हैं low back pain का, जब slip disc होता है किसी को, तो 70 to 80% उसमें mention होता है facet joint arthropathy. आपकी भी अगर MRI में facet joint arthropathy mention है, तो आप भी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये होती क्या है, इसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें facet joint arthropathy के बारे में पूरा जानने के लिए. हमारे पास जितनी भी फ़ोन कंसल्टेशन आती हैं और लोग अपनी MRI सेंड करते हैं देखने के लिए, उसमें मोस्टली facet joint arthropathy होता ही है लोगों को, इसलिए मेरा मन था कि मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ. तो चलिए देखते हैं facet joint arthropathy होती क्या है. मान लीजिए हमारा ये वर्टिब्रा और ये नीचे वाला वर्टिब्रा, facet joints होते हैं हमारे दो पिलर, दोनों साइड पे होते हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे. जब भी हमें facet joint क्या करते हैं, बीच में हमारे होते हैं दोनों वर्टिब्रा को सेपरेट करने के लिए बीच में होता है कुशन, जिसको हम डिस्क बोलते हैं. जब भी ये डिस्क स्लिप कर जाती है, इसका वाटर बाहर आ जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो लेवल है वो नैरो हो जाता है, वो थोड़ा नीचे को आ जाता है, दोनों में स्पेस कम हो जाती है. जब ये दोनों में स्पेस कम होती है तो facet joint क्या करते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं. अब जब ये जुड़ने लगते हैं तो इसकी को जब आपस में उसकी फ्रिक्शन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, और जो facet joint के अराउंड कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है, इसी को हम कहते हैं facet joint arthropathy. अब facet joint arthropathy की वजह से और भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे स्टिनोसिस भी हो जाता है, तो इसके लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो चलिए facet joint के बारे में और जानते हैं कि बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज और अबव 40 ईयर्स ऑफ एज ये कैसे आपकी MRI में शो होती है. जब भी आप MRI करवाते हैं स्लिप डिस्क का या कोई भी आप लंबर स्पाइन का MRI करवाते हैं, तो उसमें नीचे लिखा होता है facet joint arthropathy. तो अगर आपकी एज 40 ईयर्स के बिलो है तो उसमें 30% चांस होते हैं इसके, और इस अगर आपकी एज अबव 40 ईयर्स है, वैसे 50 ईयर्स होती है, पर अबव 40 ईयर्स अब इसलिए क्योंकि अब छोटी एज में ही हमें पोस्चरल प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और facet joint हमारा फंसना शुरू हो जाता है, तो 70 to 80% चांस होते हैं हमारे अबव 40 ईयर्स ऑफ एज में. अब बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज में जो कारण होता है वो होता है स्लिप डिस्क. मैंने अभी आपको बताया था कि जब facet joint होते हैं उसमें दोनों वर्टिब्रा में सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक कुशन, एक डिस्क होती है. जब वो डिस्क स्लिप कर जाती है, उसका वाटर निकल जाता है, तो दोनों वर्टिब्रा में गैप कम हो जाता है और facet joint पे ज़्यादा स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है. ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से facet joint arthropathy होती है. तो इसका हमारा जो कारण था वो स्लिप डिस्क होता है यंग एज में. अब इसमें होता है डीजनरेटिव डिस्क डिसीज, इसको DDD बोलते हैं. अबव 40 ईयर्स ऑफ एज में क्या होता है, हमारा जो वाटर है, हमारा जो कुशंस है, डिस्क है, वो थोड़ी थोड़ी सूखनी शुरू कर देती है. ये डीजनरेशन हो जाती है डिस्क की, वाटर लॉस कर जाती है. जब वो वाटर लॉस हो जाता है तो उसमें भी वही होता है कि जैसे दोनों वर्टिब्रा में डिस्क थी, जब वाटर लॉस हो गया तो वो वर्टिब्रा में गैप कम होना शुरू हो जाता है. वो उस गैप कम होने की वजह से सारा स्ट्रेस facet joint पे आता है, इसलिए ये ओल्ड एज में बहुत कॉमन है डीजनरेटिव डिस्क डिजीज़. इसका मैं आगे आने वाले पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा, भी एपिसोड्स में इसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब अगर आता है हमारा पार्ट बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज में, अगला पॉइंट आता है पुअर पोस्चर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट. यंग एज में क्या होता है, हम इस तरह से खड़े होते हैं, बिल्कुल अपने आप को छोड़ के स्लाउच पोस्चर में, पुअर पोस्चर में खड़े हो जाते हैं, हमारी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होती है, जिसकी वजह से सारा स्ट्रेस facet joint पे आना शुरू हो जाता है. ये भी बहुत बड़ा कारण होता है हमारा, क्यों इसको भी ठीक करने का मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ में. अब नेक्स्ट आता है मसल वीकनेस, जो कि अबव 40 ईयर्स ऑफ एज में क्या होता है, मसल वीकनेस. उनके मसल इतने वीक हो जाते हैं कि वो होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि एक बार कोर वीक है तो ऑलरेडी वो क्या करेंगे, इस तरह से स्लाउच करेंगे ओल्ड एज में, तो ज़्यादा हमारा स्ट्रेस फिर से हमारा उसी facet joint पे आएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा. ओबेसिटी दोनों में कॉमन है, अगर बिलो 40 में आपको मोटापा है या अबव 40 में मोटापा है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो पेट बाहर ज़्यादा निकलने की वजह से हम हमेशा एक्सटेंशन में इस तरह से खड़े होते हैं, एक्सटेंशन में. उसमें क्या होता है, सारा स्ट्रेस हमारी लोडोटिक कर्व और इंक्रीज हो जाता है, बैक एक्सटेंशन हो जाती है, और सारा स्ट्रेस facet joint पे आना शुरू कर देता है. और जब हम चलते हैं तो facet joint बार बार फ्रिक्शन करता है और इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है. तो अगला सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, रॉन्ग एक्सरसाइज. चाहे आप ओल्ड एज में हैं चाहे यंग एज में हैं, रॉन्ग एक्सरसाइज हमेशा ही ख़राब करेगी आपको. रॉन्ग एक्सरसाइज में क्या आता है, लोग जब भी बैक एक्सरसाइज बोलते हैं तो हमेशा भुजंग आसन ही करते रहते हैं. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं वो लोग,
हमेशा जब भी बैक एक्सरसाइज की बात आती है आप भी देखना, वो कहेंगे भुजंगासन कर लो या कोबरा पोज, बैक एक्सटेंशन। बार बार बैक एक्सटेंशन करने से हमारा फेसेट जॉइंट खराब होता ही होता है। हमारे पास जितनी फ़ोन कंसल्टेशन आती हैं सब में लोग फेसेट जॉइंट की गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसीलिए वो ठीक नहीं होते। मेरी एक गाइडेंस से ही उनको काफ़ी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें हमने एक्सरसाइज करनी है थोड़ी अलग तरीके की, वो मैं आपको अभी बताता हूँ इसी पार्ट में कैसे हमने एक्सरसाइज करनी है। तो बैक एक्सटेंशन हमारे भगवान ने एक लॉर्डोटिक कर्व एक्सटेंशन कर्व ऑलरेडी दिया हुआ है लोअर स्पाइन में। तो जब हम चलते हैं खड़े होते हैं वो ऑलरेडी हम एक्सटेंशन में रहते हैं, फेसेट जॉइंट पर ऑलरेडी प्रेशर आया होता है। तो जब हम बार बार इसको पुश करते जाएंगे पीछे को, अपने आप को एक्सटेंशन करते जाएंगे, भुजंगासन करते जाएंगे, वो और फ्रिक्शन करेगा और ख़राब करेगा, फेसेट जॉइंट पे स्ट्रेस डालता जाएगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जबकि बैक एक्सटेंशन भुजंगासन सिर्फ तब करें जब आपको स्लिप डिस्क एक्यूट है, वो भी कुछ 3-4 दिन के लिए, उसके बाद छोड़ दें। क्योंकि जब डिस्क अंदर चली गई, हम इसका पर्पस होता है डिस्क को अंदर करना, जब वो अंदर चली गई तो बिल्कुल ठीक, उसके बाद छोड़ दें, क्योंकि आप वॉक करें और आप ठीक रहेंगे। तो ये थी हमारी, इसको फेसेट जॉइंट को किस तरह से हमें बिलो 40 और अबव 40 कैसे इसको देखना है। तो ये आपके MRI में आपको दिखेगा, आप भी देखना अगर आपकी एज के मुताबिक MRI हुई है तो इसमें आपको ये सारे सिम्टम्स भी मिलेंगे। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसकी हमने एक्सरसाइज करनी है और बैक एक्सटेंशन तो बिल्कुल नहीं करनी है। अब फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी की जब प्रॉब्लम होती है तो हमें हमेशा फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है। फ्लेक्शन एक्सरसाइज मतलब आगे झुकने वाली, क्योंकि पीछे तो स्ट्रेस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। पर एक बात का ध्यान जरूर रखें, अगर स्लिप डिस्क एक्यूट है, यानी कि एक्यूट स्लिप डिस्क के जो मैंने आपको सिम्टम बताए थे, एक वीडियो आया था मेरा उसको जरूर देख लें। अगर एक्यूट स्लिप डिस्क हुई है, अभी आपको स्लिप डिस्क होके साथ फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी हुई है, तो सबसे पहले हमें डिस्क को अंदर करना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए, उसमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। जब स्लिप डिस्क के सिम्टम सारे कवर हो जाएं उसके बाद फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी की एक्सरसाइज करें तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए चलिए सबसे पहली एक्सरसाइज हम देखते हैं फेसेट जॉइंट के लिए हमने कौन सी करनी है। फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी के लिए हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इस पोजिशन में आके, ये हम उल्टे लेट के नहीं एक्सरसाइज कर रहे, ये हम इस पोजीशन में लॉइन पोजीशन में एक्सरसाइज कर रहे हैं। और देखना इसमें हम एक कर्व लेके आ रहे हैं अपनी स्पाइन का। इसमें आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों से अपने आप को ऊपर को पुश कर देना है इस तरह से। इससे क्या होगा, जब हमारे जो जॉइंट्स है, फेसेट जॉइंट है, जब वो कर्व लेंगे तो ऐसे ओपन होंगे, इस तरह से वो ओपन होना शुरू करेंगे। तो क्योंकि जब हम इस तरह से रहेंगे ये लॉर्डोटिक कर्व है, जब हम इस तरह से आएंगे तो ये काइफोटिक कर्व है। और यहाँ पे पूरा अपने हाथों पे जोर डाल दें ताकि हम इसको उठा सकें। अब जितना हम इसको उठा रहेंगे उतना वो खुल रहा है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सेकेंड एक्सरसाइज भी इसी पोजिशन में होगी। थोड़ा सा हमने शोल्डर के विड्थ के पार्ट हमने अपनी नीज रख लेने और अपनी पूरी स्पाइन को, अपने पूरे बटक्स को हील के ऊपर आके बिठा देना है। अब इसमें भी देखिए इस तरह से कर्व जा रहा है तो क्या कर रहे हैं, फेसेट जॉइंट ओपन हो रहा है, फेसेट जॉइंट इस तरह से जुड़ा होता है। अब जब मैं नीचे की ओर जा रहा हूं तो फेसेट जॉइंट इस तरह से खुल रहा है और एक ओपनिंग मिल रही है जहां से हमारी जो फेसेट जॉइंट में फंसी हुई नर्व है वो रिलैक्स भी हो जाएगी। क्योंकि फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी में हमेशा क्या होता है, जब पेशेंट उसको एक्सटेंशन करने में पेन आती है, यानी कि जब वो पीछे जाता है उसको पेन आता है, जब वो झुक जाता है तो उसका पेन रिलीफ हो जाता है। जब भी उसको झुकने के लिए कहेंगे तो उसका पेन रिलीफ हो जाएगा। और ये पेन जो होता है ये ज्यादातर एक पिन पॉइंट पेन होता है, एक ही जगह पे ये पेन रहता होता है, ये ज्यादा नीचे की ओर नहीं जाता। हाँ, पर फेसेट जॉइंट की वजह से, फेसेट और आर्थ्रोपैथी की वजह से जब स्टिनोसिस होगा या फेसेट जो हमारा उसमें डिफेक्ट आता है जिसमें बोनी मार्जिन निकले, ऑस्टियोफाइट होता है, तब अगर हमारी नर्व प्रेस हो रही है तो पेन नीचे की ओर जा सकता है। पर फेसेट जॉइंट का पेन वो पिन पॉइंट पेन होता है। अगर L4-L5, L5-S1 वाले फेसेट आपस में जुड़े हुए हैं तो उसकी वजह से ही हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब चलते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। पहली दो एक्सरसाइज हमने बताई हैं, उसमें हमने 5-5 रेपिटेशंस करनी है और 10 सेकेंड का होल्ड देना है। तो थर्ड एक्सरसाइज जो है वो सीधे लेट के करनी है, फ्लेक्शन एक्सरसाइज होगी। इसमें अगर आपको स्लिप डिस्क हुई है तो आपने इसको सिंगल सिंगल हिपनी बेंडिंग करना है इस तरह से, ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज होती है, इस तरह से सिंगल सिंगल हिपनी बेंडिंग कर लेना है। और अगर आपका एज भी छोटी है और आपको स्लिप डिस्क होके रिकवर हो चुकी है तो आपने डबल हिपनी बेंडिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से करने से आपका जो फेसेट जॉइंट है वो फिर से देखिए फ्लेक्शन एक्सरसाइज में ओपन हो रहा है।
ये एक्सरसाइज का होल्ड भी आपने करना है हमें अपना 5 सेकंड, और इसको 10 टाइम्स हमने करना है, 5 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम्स। ये मैं आपको नीचे आपको मेंशन करूंगा कि कितनी बार हमने एक्सरसाइज ये वाली करनी होती है। अब फोर्थ एक्सरसाइज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो मैंने आपको बोला था एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होती है, तो हमने उसको पोस्टीरियरली लेके जाना है। उसके लिए हमने क्या करना होता है, एक हाथ आप इस पे रखें एब्डोमेन पे और एक हाथ बैक के नीचे रख लें। अब इसमें आपने क्या करना है, अपना जो लेग्स फोल्ड करके, इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक लेग्स फोल्ड होनी चाहिए और दूसरा अपनी बैक नहीं उठानी इसमें, इसमें बैक उठानी नहीं है, बैक को हाथ पे रहने देना है, सिर्फ अपने बटक्स को लिफ्ट करना है इस तरह से। इसको कहते हैं पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। अब जो मेरा पेल्विस है वो हमारा पीछे की ओर यानी कि बेड की ओर जा रहा है पर बिना बैक उठाए, इसलिए हमने हाथ नीचे रखना होता है ताकि हमें पता रहे हमारी बैक नहीं उठ रही। इसको एक और अच्छा तरीका है इसको करने का, अपना टमी को टक इन कर लें, ये हाथ अपना जो है उसको टक इन कर लें टमी को, उसके बाद अपना सिर्फ बटक्स को लिफ्ट करें और जो बैक है वो आपके हाथ पे प्रेस करनी चाहिए। इसको भी आप 5 to 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं और 10 टाइम्स करना है। ये पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारे फेसियल ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी को ठीक करने के लिए। अब नेक्स्ट फिफ्थ एक्सरसाइज आती है जिसमें हमने सिटिंग में इस तरह से लेग्स थोड़ा सा खोल के अपने सिटिंग में ही नीज को स्लाइड करते करते अपने पैरों को हाथ लगा लेना है, और ये झुकने से हमारा जो फेसियल ज्वाइंट है वो ओपन होगा। इसमें भी एक बात का ध्यान रखना है कि अगर स्लिप डिस्क एक्यूट हुई है तो उसमें हमने झुकना मना करते हैं, उसमें ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। उसमें आप लेटने वाली कर सकते हैं, सीधे लेटने वाली, पर इसमें आप ये झुकने वाली एक्सरसाइज तब करें जब आपकी स्लिप डिस्क ठीक हो चुकी है और सिर्फ फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी आई है। तो इसमें हमने इस तरह से धीरे धीरे झुकते झुकते स्लाइड करते हुए जाएंगे, और सिटिंग में झुकने से हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारा इसमें पेल्विस जो है वो कंट्रोल्ड, मतलब एक स्टेबल पोजिशन में रहता है। इस तरह से झुकने में आप अपने फेसेट जॉइंट को ओपन कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको भी फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी की प्रॉब्लम है तो आप ये एक्सरसाइजेस करके ठीक हो सकते हैं, पर आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि मुझे फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी भी है, स्लिप डिस्क भी है और भी 2-3 चीज़ें MRI में लिखी हैं, तो मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम, एक फ़ोन कंसल्टेशन प्रोग्राम रखा है जिसमें आप अपनी MRI हमें सेंड कीजिए। तो इसके लिए हमने एक छोटे सा प्रोसीजर, एक छोटा सा फॉर्मेट रखा हुआ है क्योंकि इतनी सारी कंसल्टेशन आती है हम सारी नहीं ले सकते, या आपको भी पता है कि सारी इतने सारे लोगों के साथ बात करना पॉसिबल नहीं होता। तो हमने एक प्रोसेस रखा है, ये नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर जाके आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप के दौरान आपको सारा आपको प्रोसीजर समझा दिया जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज करना है आपने अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम, और अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट है तो उसको सेंड कर दीजिए। तो एक फॉर्मेट आपको बताया जाएगा, थोड़ी छोटी सी फीस भी है पर आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगी क्योंकि एक गाइडेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको मैं गाइड करूँगा, आपकी बात होगी मुझसे, विदिन 24 आवर्स आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। उसमें आप इस मैसेज, इस नंबर पर जाके अपना मैसेज टाइप करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, मेरे से फ़ोन कंसल्टेशन करिए, आपकी MRI के बारे में भी बताऊंगा और आपको जो ट्रीटमेंट है उसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, स्पेसिफिकली आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको प्लस, अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने आसपास जिनको भी ये प्रॉब्लम है, आपने देखा है उसकी MRI में फेसियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी, तो उससे भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी पहले सब्सक्राइब कीजिए फिर आगे चलेंगे। सब्सक्राइब उस चैनल को ज़रूर कर लीजिए क्योंकि लो बैक पेन सीरीज़ का एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। ये सीरीज़ आप लोगों की वजह से सुपर हिट हुई है और इसी की वजह से फ़ोन कंसल्टेशन भी बहुत अच्छे से हमारा चल रहा है और लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। अब लो बैक पेन सीरीज़ के बाकी 6 एपिसोड्स आपको सारे इसके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे मेरा वीडियो पूरा देखते हैं उसमें भी स्टेप बाय स्टेप ये वाले काम भी कर लीजिए। पर सब्सक्राइब अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है और वो ग्रे कलर का दिख रहा है तो उसको सब्सक्राइब दोबारा मत कर लें, फिर रेड हो जाएगा। तो रेड वाला है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अब फॉलो, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर sukoon.physical.therapy पे, इस पर भी हम रेगुलर पोस्ट डालते रहते हैं, हमारा कौन सा वीडियो नया आने वाला है या जो आ चुका है उसका भी हम अपडेट डाल देते हैं। और आप हमें फेसबुक पेज पर भी सुकून फिजिकल थेरेपी नाम के साथ हमारा फेसबुक पेज है, अब हमने उस पर भी वीडियोज़ डालने शुरू किए हैं, आप उसको जाके भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।